नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सुबह सुबह का दिन, 6 बजे का समय और साथ के साथ 13 जुलाई और ऊपर से बुधवार, शुभवार जिसे हम कहते हैं। और आपका राशिफल, आपके लिए लकी अक्षर, आपकी कुंडली, आपके लिए ट्रांजिट गोचर, तो कितनी सारी चीज़ें हैं आपके लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी ज़रा उठ जाइए आराम से, जल्दी से अपनी वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, अपना राशिफल देखिए और अपने दिन को काफ़ी बेहतर बनाइए। चलिए, जिनका आज के दिन बर्थडे है, 13 जुलाई और बुधवार का दिन, अगर आपका बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से। आपने अपने बर्थडे को खूब सारा एंजॉय करना है, लेकिन साथ के साथ एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। आपने आज के दिन क्या करना है, 6 हरी इलायचियाँ ले लेनी है और इसे अपने साथ कैरी करना है। यानी अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस करते हैं या फिर इनफैक्ट एंजॉय करने ही जा रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने भी जा रहे हैं, तो भी आपने 6 इलायचियाँ अपने साथ लेकर के जानी है। शाम को जब आप घर लौटे तो इन इलायचियों को आपने तुलसी के बीच में तो रख देना है, यानी तुलसी के पौधे की जड़ के पास रख देना है। लेकिन आपने एक काम करना, जरूर बोलना है, बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना और 1.25 किलो हरी दाल, जिसे साबुत मूंग की दाल कहते हैं, हरी दाल का आज के दिन दान जरूर करना है और वो भी अपने किसी मंदिर में जा कर के, पूजा स्थान पर, तीर्थ स्थान पर, कहीं भी आप इस दाल का जो दान है वो आप कर सकते हैं। जहाँ भी आप इस समय अवेलेबल हैं वहीं पे आप ये दान कर सकते हैं, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद आपने ज़रूर लेना है। मिष्ठान यानी थोड़ी सी मिठाई आपने गणपति को चढ़ा करके उसके बाद छोटे छोटे बच्चों में ज़रूर बाँट देनी है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे बहुत ही खुशनुमा रहे और आपका पूरा साल बहुत अच्छा रहे। ट्रांजिट यानी गोचर की बात करते हैं, लेकिन आज कुंडली भी है। किसकी कुंडली है आज के दिन, ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम गोचर की बात कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है। सूर्य की बात करते हैं तो मिथुन राशि में है, 27 डिग्री के हैं, बुध के साथ हैं और साथ के साथ शुक्र के साथ हैं। चंद्रमा है 19 डिग्री के धनु राशि में है और मंगल है 11 डिग्री के मेष राशि में है, राहु के साथ है, बुध है 22 डिग्री के मिथुन राशि में ही है, ये भी सूर्य के साथ और शुक्र के साथ हैं। गुरु हैं 14 डिग्री के यानी 14 डिग्री के मीन राशि में है, शुक्र है 0 डिग्री के मिथुन राशि में आ चुके हैं, सूर्य और बुध के साथ हैं। शनि है मकर राशि में, रेट्रो है 30 डिग्री के हैं, राहु मेष राशि में है, मंगल के साथ हैं, केतु तुला राशि में है। अक्षर की बात जरूर करेंगे कि अक्षर कौन सा है जिसका प्रयोग आज के दिन आपने जरूर करना है, एक लकी कुंडली भी है। लेकिन सबसे पहले राशियों का हाल, मेष राशि यानी एरीज, आपकी कर्ज की समस्या आप दूर होगी, यानी जो घेरे में चल रहे थे वो कहीं ना कहीं एक सोर्स निकलेगा, हो सकता है कोई भगवान बनकर के चमत्कार की तरह आपके सामने आ जाए और आपको कर्ज से छुटकारा दिला जाए। सहयोगियों के साथ अपने संबंध अच्छे बना करके रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी, गुलाबी रंग का प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, झूठे वादे किसी से भी ना करें, संतान को लेकर के पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, मेहनत के बाद ही धन प्राप्ति के योग है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला, नीले रंग का प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, कार्यस्थल में थोड़ी सी कले कलेश बढ़ सकता है, लेकिन आपने अपना टेम्परामेंट संभाल करके रखना है वरना आपको नुकसान हो सकता है। बेवजह आज के दिन किसी से भी ना उलझे, मित्रों का सहयोग, फ्रेंड्स आपके सहयोग देंगे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए केसरी, केसरी रंग का प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ परेशानी हो सकती है, छोटे भाई बहनों में प्रेम बढ़ेगा, नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन, गोल्डन रंग का प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं। सिंह राशि यानी लियो की बात करते हैं, परिवार में चल रहा कले कलेश अब समाप्त होगा, शांत होगा, धनवान बनने का सपना पूरा हो सकता है, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज आपका दरवाजा
खटखटा सकती है। व्यापारिक यात्रा मुहूर्त देख करके ही करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद। सफेद रंग का प्रयोग आप चाहे तो कर सकते हैं। कन्या यानी वर्गों की बात करते हैं, इनकम के अच्छे अच्छे सोर्सेज आपके लिए बन सकते हैं। पिताजी का साथ पूरा आपको मिलेगा। अगर आपको आज उनके सहयोग की ज़रूरत है, सिर्फ एक बार बोल के देखिए, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। नौकरी में भी उन्नति के योग है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं। अब समय आ गया है लकी कुंडली का। कौन सी है लकी कुंडली और कौन है लकी विजेता, चलिए देखते हैं। आज है साहिल यादव, लेकिन साहिल यादव की कुंडली से पहले हम आपसे एक थोड़ी सी शिकायत किसी की दूर करना चाहते हैं। एनी सिन्हा, इन्होंने इतने सारे मैसेजेस डाले, हर वीडियो में मैसेजेस हैं और नाराज हैं मेरे साथ। भाई नाराजगी किस चीज़ की? अब सोचिए, मैं आज आपकी नाराजगी दूर करने आई हूँ, आप बताइए नाराज क्यों हैं आप मेरे साथ? आपने इतने सारे मैसेजेस डाले हैं लेकिन आपकी डिटेल कौन डालेगा? तो अब नाराज मुझे होना चाहिए आपसे या आपको मेरे साथ होना चाहिए? तो आपने डिटेल नहीं डाली है, आपने क्वेश्चंस बहुत सारे पुट किए हुए हैं, बहुत सारी नाराजगी बताई हुई है। बिल्कुल मैं आपकी नाराजगी समझती हूँ, क्योंकि जब आप किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं और वो व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट होता है, और हम नहीं चाहते कि आपको हर्ट हो। इसीलिए मैंने स्पेशली कुंडली तो नहीं है आपकी, बट मैं आपके आंसर्स देने के लिए ज़रूर मैंने सोचा मुझे देने चाहिए आपके आंसर्स। आप बहुत ज़्यादा फेथ करती हैं, आप डेफिनेटली ये सोचते हैं कि आपकी समस्या कोई नहीं निकाल पा रहा, तो आपको मेरे पे एक फेथ है और मैं आपका फेथ नहीं टूटने दूंगी। बट आपने अपनी डिटेल नेक्स्ट टाइम ज़रूर डालनी है। आपका नंबर नेक्स्ट वीक की जो कुंडलियाँ देखी जाएंगी उसमें ज़रूर आएगा, तो आप अपनी डिटेल जरूर डालिए। फिलहाल जिनकी डिटेल आई है वो है साहिल यादव, 29/9/2004, और इनका समय है 6:45 शाम का। गुड़गांव का इनका जन्म है। इन्होंने प्रश्न किया है, मुझे 12th के बाद पढ़ाई में परेशानी ना हो, क्या करूं, और मुझे गुस्सा बहुत आता है। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं आपको गुस्सा क्यों आता है। पहले मीन लग्न की आपकी कुंडली बनती है और आपकी राशि बन रही है आपकी मीन ही यानी पाइसियन ही राशि है, और लग्न भी पाइसियन है। लग्न का स्वामी आपका हस्त है, मंगल के साथ है। भाई एक तो गुस्सा, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। अब गुस्सा पता है क्यों आता है आपको? आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको लगता है मेरा ये कर रहा हूँ ये सही है, जो मैंने किया वो सही है, लेकिन जब सामने वाला उस बात को काटता है ना तो आपको बहुत इरिटेशन होती है, अच्छा नहीं लगता, आपसे गलती हो रही है कहीं। क्योंकि एक होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। थोड़े से अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कम रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपसे गलती हो रही होती है, अगर मान लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को निखार सकें, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बट अपनी क्वालिटीज़ को आप डिसक्वालिटी बना रहे हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ ना हो। एक ओपल रत्न, एक पुखराज रत्न आप ज़रूर, येलो सेफायर जो होता है वो ज़रूर पहन लीजिएगा। 7.5, 7.5 रत्ती, 8 रत्ती या 8.25 रत्ती तक का है, इसके ज़्यादा नहीं डालना है, इससे कम भी नहीं डालना है। तो आपने ये पुखराज आप डाल लीजिए, और साथ के साथ हर गुरुवार को आप मंदिर जा कर के एक थोड़ी सी चने की दाल ज़रूर अर्पित करके आएँ, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और हाँ, आगे जा कर के पढ़ाई को लेकर के दिक्कत ना आए आपकी, उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता देती हूँ। हमेशा पूर्णिमा का चांद आप ज़रूर देखा करें, उसके दर्शन दें, पूर्णिमा के चांद को अर्घ देना शुरू कर दीजिए, और साथ के साथ हर शनिवार को पीपल के नीचे एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा, और सरसों के तेल का ही दीपक सूर्य अस्त के बाद ही प्रज्वलित करना, इससे आपकी पढ़ाई में अड़चनें नहीं आएंगी। बहुत अच्छा लगता है जब व्यक्ति ये कहता है कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में कोई दिक्कत होती, और एक्चुअली हमारा जो ज्योतिष वो है ही ऐसा कि वो आने वाली घटनाओं से आपको अवेयर कराता है और सुरक्षित रखने के लिए आपके लिए रास्ते बनाता है। बहुत अच्छा लगा बेटा आपकी ये क्वेश्चन सुन करके। तुला यानी लिब्रा राशि की बात करते हैं, अगली राशि है। ससुराल वालों से संबंध बिगड़ सकते हैं, ज़रा अटेंटिव रहिएगा, सतर्क रहिए। इनकम के अच्छे अच्छे सोर्स, आपकी आजीविका के अच्छे सोर्स बन सकते हैं। सोचा हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं,
पत्नी के साथ बिना कारण कलह हो सकती है, जरा शांत हो जाइए आज के दिन शुभंग, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए वरना मुसीबत ज्यादा बढ़ सकती है और रिश्ते भी टूट सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहे इसी के लिए घर का ही आज के दिन खाना प्रेफर कीजिएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा सात, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, घर आए हुए मेहमानों का निरादर नहीं कीजिएगा। छोटे भाई बहनों का हक ना मारे, समय का सदुपयोग करें यानी उसकी वैल्यू को समझे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा दो, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का प्रयोग आप चाहे तो कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, बिछड़े हुए साथियों के साथ मुलाकात आज के दिन हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा नौ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सामाजिक गतिविधियां आपकी बढ़ सकती हैं। बच्चों पर खास करके ध्यान देने की जरूरत है। किसी के काम में टांग ना अड़ाएं यानी दूसरों का काम उन्हें ही करने दीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा आपके लिए सात, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का प्रयोग आप चाहे तो कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि, नौकरी में बदलाव की पूरी संभावनाएं हैं। धन मिलने का अचानक आपके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सोर्स बनेगा। पत्नी से ना झगड़े वरना नुकसान आप ही का होगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा नौ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का प्रयोग आप चाहे तो कर सकते हैं। अक्षर कैसे प्रयोग में करना है, टर टमाटर वाला अक्षर। आपने अशोक का पत्ता ढूंढना है और ये उपाय 12 बजे से पहले पहले आप कर सकते हैं। अशोक का पत्ता लेना है और उसके ऊपर आपने एक चीज का ध्यान, या तो अशोक का पत्ता अगर नहीं मिलता है तो हरे कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे कपड़े में या अशोक के पत्ते पर इलायची लेनी है, उसे पीस लीजिएगा, उसमें जल मिला करके उससे आपने ये टर टमाटर वाला अक्षर लिख देना है और इसे अपने साथ ले। पत्ता अगर लेकर के जा रहे हैं तो उसे सीधा ही रखिएगा, उसे फोल्ड नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर कागज में कर रहे हैं तो इसे फोल्ड कर सकते हैं, या कपड़े में लिख रहे हो तो फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन कागज से मतलब लास्ट ऑप्शन है। पहला है अशोक का पत्ता, दूसरा है हरा कपड़ा, तीसरा है आपके पास जब कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये अक्षर लिख करके अपने साथ ले जाना है, लेकिन पूरा दिन इसे पवित्र स्थान पर ही रखना है। यानी अगर आप अपने पर्स पॉकेट में रख रहे हैं तो ऐसी पॉकेट में रखिएगा जहां बार बार हाथ नहीं छूते हो। और उसके बाद आपने अगली सुबह यानी नेक्स्ट डे आपने इसे सुबह तुलसी की जड़ में ही दबा देना है मिट्टी के अंदर। दिन भर साथ रखिएगा, एनर्जी मिलेगी, सुरक्षा होगी, खुशियाँ मिलेंगी, आपके काम बनेंगे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। दोपहर की वीडियो और सुबह की वीडियो में आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली देखे जाए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। कल फिर हाजिर होंगी इसी समय आप ही के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।